हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाता हूँ जो कि आप भी बोलना चाहते हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो। जैसे मैं बोल दूँ, आज वर्षा हो सकती है, कल परीक्षा हो सकती है, कल राम यहाँ आ सकता है। ठीक है, कल राम यहाँ आ सकता है, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, राम कल यहाँ नहीं आ सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे? हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस, क्या? तो इसके लिए आपको पढ़नी होती है मोडल वर्ब की, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, हाउ टू, शैल, शुड, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे मोडल वर्ब हैं। ये सब क्या है हमारे मोडल वर्ब, जो कि टोटल 10 मोडल वर्ब होते हैं। टोटल कितने मोडल वर्ब होते हैं? 10 मोडल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो उसी में से मैं आपको आज बताऊंगा मे और माइट का यूज। ये जो सकना वाला सेंटेंसेस होता है, सकना, सकती, सकता, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये लास्ट में आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हो? पूरे इजीली आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 10 मिनट आप पूरा वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपके लिए मे और माइट का यूज पूरा हलवा होने वाला है, पूरा आसान हो जाएगा। पूरा आप घरले से जहां मन होगा वहां पे आप मे और माइट का यूज करोगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा मैं कॉन्सेप्ट प्लस स्ट्रक्चर सारा मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ शारदा पब्लिक स्कूल महसपुर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मे, सबसे पहला मैं मे, जो कि एक मॉडल वर्ब है। मे क्या है? मॉडल वर्ब है। और ये भी मैं बता देता हूँ, ये माइट जो आप सुनते हो, अगर आप नहीं जानते हो माइट के बारे में, तो मैं बता दूं इसका मे से रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है कहोगे, मे से इसका क्या रिलेशन है? तो मे से यही रिलेशन है कि मे जो है इसका माइट मे का फास्ट फॉर्म है। यानी जब आप नरेशन बनाओगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है, तब जो मैं आपका सेंटेंसेस रहेगा प्रेजेंट में, उसके बाद डायरेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद जो मे रहेगा, अब मे के प्लेस पे आप माइट का यूज करोगे। मे के जगह पे क्या यूज करोगे? माइट का। जब यहाँ पे पास्ट फॉर्म रहेगा तब, अगर आप बनाए होगे तो वो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये मैं बता दिया, जो मे जो है माइट जो है मे का फास्ट फॉर्म है। अब हम इसका यूज क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, मे इज अ मॉडल वर्ब, इट इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए बोला जाता है इसका यूज। जैसे मैं बोल दूं आज वर्षा हो सकती है, तो क्या कंफर्म है आज वर्षा होगी? होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आज वर्षा नहीं भी हो सकती है। यानी क्या, 50% चांस, यानी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभावना की बात करें, संभावना जहां पर व्यक्त करना हो जिस भी सेंटेंसेस में, राम कल यहाँ आ सकता है, राम कल यहाँ आ सकता है, तो वहां पे राम कल यहाँ आ सकता है कंफर्म नहीं है, हम संभावना जता रहे हैं जो राम कल यहाँ आ सकता है, तो वहां पे क्या चांसेस है, यानी कि 50% चांसेस है, कंफर्म नहीं है कि राम यहाँ आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मे, यानी उसी का आंसर कर देंगे मे, यानी कि सकना। इस पर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल, इट मै रैन टुडे, इट मै रैन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है, पूरा कंफर्म नहीं है, आज वर्षा हो सकती हो। यू मे कम टुडे, तुम आज आ सकते हो, कंफर्म नहीं है, तुम आज यहाँ आ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है कि आप आओगे जाओगे। राम मे गो टू स्कूल टुमारो, यानी राम कल स्कूल जा सकता है, राम कल स्कूल जा सकता है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो,
उसके बाद क्या मैं यहाँ सो मेल लगा दो, उसके बाद अलग वर्ड दे दो, कुछ नहीं सिंपल। इस पे आप हजार सेंटेंस सुना ले लो, सीता मैं ऑब्जेक्ट आपको जो भी देना है जो आपको सटीक लगता है दे दो, ठीक है। सीता मैं लव मी, क्या सेंटेंस सिंपल है, सीता मैं लव मी, सीता मुझसे प्यार कर सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है, यानी ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर पे आप बनाओ जितने भी एग्जांपल आपको जो भी मन में आता है वो इस पे आप बैठा दो, सब्जेक्ट प्लस मेंबल प्लस वर्ब, इस पे आप बैठा दो और बनाओ जितना भी सेंटेंसेस बनाना है अपने से बनाओ, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए और इस पे आप मैं आपको स्ट्रक्चर जो की मेन जो होता है स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको दे दिया हूं और इस पे आप बनाओ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मे का तो यूज देखिए सरने की यूज में। ये मैं आपको मे का यूज सिर्फ एक सेंटेंसेस के लिए बना हुआ, मतलब क्या जो पर क्या चांसेस रहेंगे, यानी कि जो ऐसो चांस रहेंगे कि जो भी सेंटेंसेस के चांसेस के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि संभावना पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। ये तो फर्स्ट यूज था मतलब, और तो बचा ही हुआ है परमिशन के लिए, बोलते हो ना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो क्या आप परमिशन ले रहे हो ना वहां पर मे का आप यूज करे, वहां पे आप मे का यूज किए ना, मे आई गो आउट सर वहां पे आप मे का यूज किए, तो यहाँ पर क्या परमिशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी क्या मे का यूज फर्स्ट था ना सकना, मे का यूज फर्स्ट सकना, सेकंड एज इट परमिशन, परमिशन यानी कि अनुमति, हिंदी में अगर इसको बोले अनुमति लेने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मे आई कम इन सर, यानी आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या फिर बोल दे मे आई गो आउट सर, मैं कम इन सर इन ऑफिस, यानी कि परमिशन के लिए आप जहां भी यूज करोगे ना इसका यूज करो, उसका स्ट्रक्चर वही होगा। सबसे पहले मे लिए इसमें, तो मे प्लस यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लिए, मे प्लस सब्जेक्ट, प्लस वहां पे अदर बट लास्ट में लगा दो, भर्व का तो यूज हमारा मे ही कर रहा है ना, तीन ही चीज मुख्य होता है सब्जेक्ट भर्व और अदर वर्ब सेंटेंसेस में होने के लिए, जो कि हमारा है मे क्या हमारा भर्व है, सब्जेक्ट हो गया अदर वर्ब हो गया सेंटेंसेस हमारा तैयार है, कोई लफड़ा नहीं है, आराम से आप बनाओ, ठीक है। इस तरह आप ये मेन है आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है यह आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद रहेगा आपको भाई से भी कोई परेशानी नहीं होगी, समझ गए। तो ये मे का यूज सकने के लिए सेंस में भी किया जा सकता है, परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए सेंस में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम इस तरह से दो यूज मैंने आपको बताया, दो यूज और यूज है, ये दोनों पे खत्म नहीं हुआ है, चलिए देखते हैं और क्या यूज है। यार आप लोग बोलते हो ना मे यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जीवन जियो, तुम सालों साल जियो, क्या इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो, या फिर बोले तो मैं यू डाय तुम मर जाओ, क्या मैं यू डाय, या मैं यू गेट सक्सेस यानी कि आशीर्वाद दे तो ब्लेश, यानी एक तो और यूज इसका कह सकते हैं ब्लेश, ब्लेश कर्ज, ब्लेश या कर्ज या ब्लेश कर्ज विश प्रे, ठीक है। ये हमारा क्या मे का यूज इस तरह के सेंटेंस में भी किया जाता है, एग्जांपल की बात करें मे यू गेट सक्सेस, यानी कि आप ब्लेस आशीर्वाद दे रहे हैं जाओ तुम सफल हो, क्या ये मेरा आशीर्वाद है जाओ तुम सफल हो, यानी आप ब्लेस के सेंस में कर लीजिए। कर्ज कर्ज की बात करें तो मे यू डाय तुम मर जाओ, कर्ज के रूप में कर दिए मे यू डाय, यहाँ पे आपको मैं बता दूं यहाँ पे सब प्रे यानी प्रार्थना जो करते वही होगा, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे अमित गेट सक्सेस, यानी शुभकामना ड्रेस कर्ज विश ब्लेस्ड, इस तरह के सेंटेंसेस में भी मेगा यूज होता है, समझ गए मेगा यूज। मैंने आपको कितने चार चार बताए हैं,
पहला तो सतमा हो गया, सेकंड परमिशन हो गया, और थर्ड हो गया प्लेज और विश प्लेज। इस तरह के सेंटेंसेस में आप पढ़ो हजारों बार, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फिर लो क्या यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो ना तो कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर वही है, पहला में प्लस सब्जेक्ट, में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लो स्ट्रक्चर तैयार है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पढ़ोगे नहीं पाएंगे, बस यही यूज ही होता है मेरा, आराम से आप पढ़ोगे, ठीक है। आप दोस्तों चलिए देखते हैं यूज ऑफ माइट, माइट का यूज कैसे करेंगे, जो कि आप जैसा कि आप जानते हैं मे जो है माइट जो है सो मे का पास्ट फॉर्म है, यानी वी डू फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म मे का माइट है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या इसका रूल होगा, क्या मैं सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जान लो माइट इज अ मॉडल वर्ब, माइट इज अ मॉडल वर्ब या एक जो है सो मॉडल वर्ब है, यह मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है माइट, ठीक है। तो चलिए इस पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे देखिए इसका एग्जांपल होगा जैसे नरेशन का क्वेश्चन होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ही सेड यू मे कम टुडे, ये आप जान लो ये जो है समान नरेशन का क्वेश्चन होता है, जब भी आपको नरेशन का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से रहेगा, पहले तो ये हमारा जो है सो ये रहेगा, जब मैं आपको नरेशन बताऊंगा तो सारा बताऊंगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम किससे नोट करते हैं, आर एस आर वी जो है मैं सारे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैं नरेशन में बताऊंगा अभी नहीं। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेट का वर्ड कोमा उसका इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ रहेगा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो इसका इसमें देखिए मैं माइक टाइज करके बता देता हूँ, तो ही दे दो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ माइक का, ठीक है। ही सेड यहाँ पे यू अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आप जब नेशनल के रूल पढ़ोगे तो डेट का यहाँ पे यूज किया जाता है, डेट आई ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखने गए तो मिया इसके अनुसार चेंज होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, मैंने बता दिया आपको सारे रूल मैं बताऊंगा, सारी डिटेल से आपको नरेशन करने वाला हूँ, ठीक है। आई मे का हो जाएगा माइट, यहाँ पे मैंने बोला था ना सेड ये होता है वी टू फॉर्म, ठीक है, वी टू फॉर्म, उसके आई मे का माइट हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होता ही है, शैल शुड विल वुड और मस्ट हैव टू यानी सारा चेंज होता है, कम टुडे का डेट पे। एक और एग्जांपल देता हूँ, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका बनाओगे आप, he said that I might live long, ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखा माइंड का यूज देखा, लेकिन अब चलिए ये भी तो हो सकता है, मैंने बताया था ना आपको सकना सकना दोनों यूज होता है, सकना तो दोनों यूज सकना में कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ दोनों में डिफरेंट क्या, चलिए मे और माइंड के भी डिफरेंस देखते हैं। लेस पॉसिबिलिटी और एक मैं बताता हूँ आपको मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी यानी एक तो हो गया कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना, और एक अधिक संभावना, अधिक संभावना, कम संभावना और अधिक संभावना। मैं बता दूं लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए माइट का यूज किया जाता है, और अधिक संभावना के लिए मे का यूज किया जाता है, ये आप जान लो। जैसे बोलूं इट मे इट माइट रेन टुडे, रेन टुडे तो दोनों जगह पे यूज किया जाता है, सॉरी यहाँ पे माइट होगा इट माइट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे, यहाँ पे देखो माइट यानी नगण्य ना के बराबर वर्षा आने की संभावना है, नहीं यानी कि उससे ज्यादा चांसेस यानी 50% ये मतलब 50% से भी कम चांसेस होता है तब हम माइट का यूज करते हैं। रन माइट कम टुडे और बोल दे राम मे कम टुडे, राम मे कम टुडे, तो यहाँ पे राम की आने की संभावना ना के बराबर है, और यहाँ पे राम की आने की संभावना 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है,
और लेकिन इसमें थोड़ा सा बोलो ना, ना के बारे बोल तो ना ही आएगा, उसमें भी चलेगा। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाओ, एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, जितना बनाना है बनाओ। इस वीडियो में मैंने आपको मे और माइट के बीच जो कंफ्यूजन होता है, जो उसका यूज होता है, टोटली मैंने यूज बता दिया है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जितना शेयर करना है सारे को मे और माइट का यूज सिखाओ, पूरा इंग्लिश ग्रामर सिखाओ, ठीक है। कहीं से भी हो सारा मैं आपको ये वीडियो लाते रहता हूँ, सारा जो भी आपका डिमांड रहता है सारा मैं पूरा करता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियो जो है तो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर दू सबसे पहले आपके फोन पे नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को जाए, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी मार आ जाएगा टॉपिक मॉडल बल्ब, अगला जो मॉडल बल्ब होगा।